हम बहुत ये बात करते हैं कि इकोनॉमी डिजिटाइज हो गई है, हर चीज डिजिटाइज हो गई है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेररिज्म भी डिजिटाइज हो गया है. टेररिस्ट्स हैव गॉन डिजिटल, देव गॉन सेल्युलर. इसलिए बहुत जरूरत इस बात की है कि वी आर अहेड ऑफ देम. मुझे मेरी टीम ने बताया कि जो गैंग्स ऑपरेट करते हैं पंजाब में, आई एम सिटिंग विद देम, और मैं उसका भी एक ऑपरेशन प्लान कर रही हूं कि जो साउथ पंजाब की साइड पे जो गैंग्स ऑपरेट करते हैं, इन्होंने मुझे बताया कि हम जो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, दे आर अहेड ऑफ अस. उनके पास भी वो सारे ड्रोन्स हैं, उनके पास भी वो सब कुछ है जो हमारे पास अब आया, लेकिन उनके पास पहले से है. और फिर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को भी पूरी एक्सेस है उनको, अफगानिस्तान से लेके आते हैं, स्पेशली आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एग्जिटेड फ्रॉम अफगानिस्तान. वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. एंड देन जियोग्राफिकली एक हमारी इम्पोर्टेंस इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, जो ग्लोबल ग्रेट गेम है, उसमें पाकिस्तान को अपने पोटेंशियल का इतना नहीं पता जितना हमारे एनिमीज को पाकिस्तान के पोटेंशियल का पता है, चाहे वो इकोनॉमिक पोटेंशियल हो या वो कोई भी और पोटेंशियल हो, उनको पता है. इसीलिए बहुत एक एफर्ट होती है सीपैक को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आई थिंक गेम चेंजर है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान. और उसको अटैक करते हैं, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को वीकन करते हैं और उस चीज को स्ट्रेंथन होने नहीं देते, क्योंकि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड एनी काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ऑल इल्स, ये मेरा मानना है. और इसी वजह से, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं होती प्लान में, स्ट्रेटजी में, तो ये प्रॉब्लम्स हमें आती हैं. फिर हमें हमारे जो फॉर्म्स ऑफ हर तरह का जो टेररिज्म है उसका हमें सामना है.